बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूजफुल साबित होगा। द टुडेज लेक्चर इज़ फ्रॉम साइंस ऑफ ग्रेड 6। इट्स अवर फोर्थ लेक्चर एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस एंड विल प्रूव द अकरिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। And the SLO that will be achieved is prove with the help of an experiment that photosynthesis takes place in a leaf. हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है ग्लूकोज। इन्हीं पॉइंट्स पे हम अपना आज का एक्सपेरिमेंट करेंगे। टेक्स्ट बुक से हमें गाइडेंस मिलेगी पेज 35 पे अंडर टॉपिक नंबर 3.6। We have read that photosynthesis takes place in a plant's leaf. The simplest photosynthesis experiment for detecting the plant for food product is the testing of a leaf. A positive test for carbohydrate in a leaf provides confirmation that photosynthesis has happened. Glucose is a product of photosynthesis and is rapidly converted to small pieces of starch, a polymer of glucose. For storage in plants' leaves, small pieces of starch can be seen in the chloroplast as well as cytoplasm. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट में, इसके नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट तो इमिडिएटली यूटिलाइज कर लिया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और दूसरे कामों के लिए, जैसा कि ग्रोथ के लिए या किसी ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए, किसी टिश्यू फॉर्मेशन के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्लांट्स के लीफ में स्टार्च की सूरत में स्टोर कर लिया जाता है। स्टार्च एक लार्जर कंपाउंड है और ग्लूकोज एक स्मॉलर कंपाउंड है। ग्लूकोज जब मल्टीपल यूनिट्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के पास तीसरा, तीसरे के बाद चौथा ग्लूकोज अटैच होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे तो हमारे पास स्टार्च बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्च जो है वो एक्चुअली पॉलीमर है ग्लूकोज का, यानी ये ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बना है। पॉली मीन मैनी एंड मर मीन यूनिट्स, यानी एक स्टार्च के मॉलिक्यूल में ग्लूकोज के मैनी यूनिट्स होते हैं, एक से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। सो अगर हम ये प्रूव कर दें कि प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट है तो हम अल्टीमेटली ये प्रूव कर सकते हैं, इसका ये मतलब निकलेगा कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है क्योंकि स्टार्च का ओनली सोर्स ग्लूकोज है और ग्लूकोज प्लांट में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस से बनता है। सो हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू फोटोसिंथेसिस को प्रूफ कर सकते हैं। अगर इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इट मींस कि हम जो भी रिजल्ट चाह रहे हैं वो हमें मिल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि टेस्ट ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया। तो इस पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है। लेकिन अगर किसी वजह से रिजल्ट नेगेटिव आता है तो नेगेटिव रिजल्ट का क्या मतलब है? नेगेटिव रिजल्ट का मतलब यह है कि यानी जो रिजल्ट्स हमें चाहिए थे वो हमें नहीं मिले, तो इसका मतलब है कि प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है और स्टार्च के प्रेजेंट होने की इंडिकेशन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं है और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं है तो ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। और जब प्लांट में ग्लूकोज ही प्रेजेंट ना हो तो इसका मतलब यह है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही। सो हम स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करके फोटोसिंथेसिस को प्रूफ कर सकते हैं और यही हम अपने आज के एक्सपेरिमेंट में भी करेंगे। अभी आप एक वीडियो में देखेंगे कि एक स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा जिसमें
इस बात को प्रूफ किया जाएगा कि प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो है, टेक्स्ट बुक में देखते हैं, वो मटेरियल्स हैं, ये बंसन बर्नर है, बर्नर की एक टाइप है जो अमूमन लेबॉरेटरीज में इस्तेमाल की जाती है, ट्राईपॉड स्टैंड है, ये लोहे का एक स्टैंड होगा, फोर्सेप्स हैं जो हमें ग्रिप करने के लिए या होल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, 250 cm³ बीकर है, बॉयलिंग ट्यूब्स हैं या इसकी जगह टेस्ट ट्यूब्स पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होल्डर्स हैं, वायर गॉज लोहे की बनी हुई एक गॉज है जिसे ट्राईपॉड स्टैंड पे रखा जाता है, वाइट टाइल है इसकी जगह आप पेट्री डिश भी यूज़ कर सकते हैं, सैंपल आपका होगा लीफ, क्योंकि लीफ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीफ में ही हो सकती है, और लीफ में क्यों हो सकती है, क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, 90% एथेनॉल और आयोडीन, आयोडीन की जगह आप पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक दफ़ा आप अपने प्रोसीजर को गो थ्रू कीजिए पेज 36 पे और फिर हम इसको परफॉर्म करेंगे। टेक आउट अ ग्रीन लीफ फ्रॉम अ प्लांट दैट हैज़ बीन एक्सपोज टू सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। आपने एक लीफ लेना है जिसे, और लीफ को सनलाइट में रखे हुए प्लांट के साथ कुछ आवर्स गुजर गए हों। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कुछ टाइम गुजर जाएगा लीफ को सनलाइट में तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ स्टार्च, कुछ ना कुछ ग्लूकोज उसमें प्रेजेंट होगा लीफ में। उसके बाद आपने एक बीकर लेना है, टेक अ 250 cm³ बीकर, हाफ फिल्ड विद वाटर, इसे पानी से ज़्यादा फिल कर लेना है। टू प्लेस द लीफ इन द बॉयलिंग ट्यूब यूज़ फोर्सेप्स, हीट द वाटर अंटिल द इट्स बॉयल्स, बॉयल इट फॉर 2 मिनट्स, देन टर्न ऑफ द बर्नर, टेक द बॉयलिंग ट्यूब कंटेनिंग 90% अल्कोहल एथेनॉल एंड प्लेस द बॉयल्ड लीफ इन इट, प्लेस द बॉयलिंग ट्यूब इन हॉट वाटर एंड बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स अंटिल लीफ डीकलराइज, नाउ जेंटली रिमूव द लीफ एंड वॉश इट विद कोल्ड टैप वाटर, देन स्प्रेड द लीफ यूनिफॉर्मली ऑन अ वाइट टाइल, यू कैन प्लेस इट ऑन पेट्री डिश, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू द लीफ, नोट द ऑब्जर्वेशंस। अब इसकी दो तरह की ऑब्जर्वेशन होंगी, अगर तो लीफ में प्रेजेंट होगा स्टार्च तो आयोडीन सोल्यूशन रिमेन्स शोड नो कलर, और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है आयोडीन सोल्यूशन चेंज द सोल्यूशन फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक, आयोडीन का सोल्यूशन अपना कलर चेंज कर ले। पहली सूरत में जब आयोडीन सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा तो लीफ में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, और दूसरी सूरत में अगर आयोडीन अपना कलर चेंज कर लेता है तो लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है, और स्टार्च प्रेजेंट होने का मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस हो रही थी। सो हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन चेंज द सोल्यूशन फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक, ये हमने देखा कैसा हो चुका है। तो इस नंबर टू ऑब्जर्वेशन से हमारा रिजल्ट क्या होगा कि स्टार्च इज प्रेजेंट व्हेन आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक, ये रिजल्ट था। और इसे हमने कंक्लूड किया कि द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ आइडेंटिफाइज दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लीफ, हेंस इट्स प्रूफ दैट फोटोसिंथेसिस जनरेट स्टार्च दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ, टेस्ट एक्सरसाइज में से आप पार्ट ए से क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। फॉर द स्टोरेज इन प्लांट्स लीफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच प्रोडक्ट, ग्लूकोज की किस प्रोडक्ट में चेंज की जाती है, ग्लाइकोजन में, लैक्टोज में, स्टार्च में या माल्टोज में, आप इसको आंसर करेंगे। फिर आप आइए अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ पेज 40 पे, नंबर 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विच इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेदर इट इज ग्लूकोज, सेलुलोज, स्टार्च और पाइरूविक एसिड, जो भी मेन प्रोडक्ट है आप उसका सर्कल फिल करेंगे। फिर आप पार्ट सी में देखें, पार्ट सी में आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप मटेरियल्स लिखेंगे, अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं, प्रोसीजर बताएंगे, ऑब्जर्वेशंस बताएंगे, रिजल्ट्स बताएंगे और कंक्लूजन बताएंगे। इसके बाद आप अपना समर पैक देखिए, समर पैक में पेज 31 पे आप एक्टिविटी सॉल्व करेंगे 3.3। इस एक्टिविटी को सॉल्व करने से पहले आप इसका ये ब्लू सेक्शन भी सॉल्व करेंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि ये SLO को बुक में कहाँ एड्रेस किया गया है और इस SLO का पर्पस क्या था। एक्टिविटी 3 है कि अ बायोलॉजी स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ योर क्लास नेम्ड अली परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एज गिवन इन द बुक टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट ही यूज्ड ऑटम शेड लीव्स इंस्टेड ऑफ फ्रेश लीव्स, रिजल्ट्स वर अनएक्सपेक्टेड एज आयोडीन सॉल्यूशन डिड नॉट चेंज इट्स कलर्स।
एक सिचुएशन आपको बताई गई है कि अगर हम ग्रीन लीव्स की जगह ऑटम शेड लीव्स जो कि येलो इन कलर होते हैं अगर उन उनसे एक्सपेरिमेंट करें तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, यानी आयोडीन आयोडीन अपना कलर ब्राउन से ब्लू में चेंज नहीं करेगा। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिड आयोडीन नॉट चेंज कलर? तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है, आयोडीन अपना कलर क्यों चेंज नहीं करेगा? आपने इसकी रीज़न बतानी है। नंबर टू क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम अलीज एक्सपेरिमेंट? अली के इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट कंक्लूड करते हैं आप? फिर आप आइए अपने समर पैक के पेज 36 पे। पेज 36 पे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टेस्ट। आपने प्रोसीजर ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि आयोडीन यूज़ करते हुए हम फोटोसिंथेसिस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आप नंबर 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, व्हाट विल यू अंडरस्टैंड इफ स्टार्च इज नॉट फाउंड इन अ लीफ? जो भी आपको समझ आए, आप अंडरस्टैंड करें, आप उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।